अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। टीटी इम्तिहान में यानी महाटेट के अंदर 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मुतालिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को एक जगह जमा करके मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, और इंशाल्लाह उसका तफसीली हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोग आखिर तक जुड़े रहोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, ये महाटेट 2013 के पेपर टू का क्वेश्चन है। द फोबिया अबाउट एयर इज एरोफोबिया, द फोबिया अबाउट ओल्ड एज इज। सो इसमें चार ऑप्शन है हमारे सामने, नोजियोफोबिया, पायरोफोबिया, एल्गोफोबिया और गैराफोबिया। ठीक है, सो फोबिया अबाउट ओल्ड एज इज कॉल्ड गैराफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब चूंकि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं इसलिए हमको तीनों जो ऑप्शंस है जो आंसर नहीं है, लेकिन ये कौन सा फोबिया होता है या किस चीज़ की फोबिया को नोजियोफोबिया कहते हैं, या किस फोबिया को पायरोफोबिया कहते हैं, या किस फोबिया को एग्लोफोबिया कहते हैं, ये हमको देखना है। तो देखिए, नोजियोफोबिया जो है, नोजियोफोबिया तो ये है फियर ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड नोजियोफोबिया। इसी तरीके से पायरोफोबिया, तो पायरोफोबिया ये है फियर ऑफ फायर। ठीक है, आग का डर या आग से डर। और एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया ये है फियर ऑफ पेन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, यानी एक आदमी जो क्या करता है, अपनी बीवी के इशारों पर चलता है। यानी हम आदमी से मुराद कौन, हस्बैंड, अ हस्बैंड हु ऑलवेज डज व्हाट हिज वाइफ टेल्स हिम टू डू। ठीक है, तो क्या होगा चारों में से देखना है। सो ऑप्शन है स्लेव, चन, एफेमिनेट और हेन पैक्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हेन पैक्ड, मीन्स अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ इज कॉल्ड हेन पैक्ड। चलिए अब रिमेनिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं, इनका मतलब क्या होगा। तो स्लेव हर कोई जानता है भाई, गुलाम को कहते हैं। अ पर्सन हु वॉज ओन बाय अनदर पर्सन एंड हैड टू वर्क फॉर हिम। ठीक है, चंद ये फ्रेंडली रिलेशन के, फ्रेंडली नेचर के आदमी को। और एफेमिनेट, एफेमिनेट मतलब अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन, अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2014 के पेपर टू से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन इसके अंदर, अ पर्सन हु बिट्रायज अ फ्रेंड, ट्रेटर। सो ये सही है, अ पर्सन हु बिट्रायज अ फ्रेंड और कंट्री इज कॉल्ड ट्रेटर, गद्दार कहलाता है। ठीक है, अगला है, अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स, आइलैंड से घिरा हुआ सी, आर्किपेलागो, ये भी करेक्ट है। अगला देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। ठीक है, इन्हें खुदा पर तनकीद, इसको ब्लास्फेमी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लास्ट है, अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ना ग्रेन्स स्टोर करने का के लिए जो बड़ा हाउस होता है, जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गोडाउन। तो देखिए, गोडाउन ये गुड्स को रखने की जगह, कोई भी गुड्स हो सकती है, वेयर हाउस में सिर्फ हम ग्रेन्स ही नहीं रखते। सो अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गुड्स इज कॉल्ड गोडाउन। सो ये ऑप्शन क्या हो गया, चौथे वाला गलत हो गया, क्योंकि अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स विल बी कॉल्ड या इज कॉल्ड ग्रेनरी। क्या कहेंगे इसको, ग्रेनरी कहना चाहिए, है ना, गोडाउन नहीं होगा। सो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, महाटेट पेपर वन 2019 से, सुधीर इज अफ्रेड ऑफ बुक्स, हिज फैमिली थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक, यानी बुक्स का डर है उसको, ही इज अफ्रेड ऑफ बुक्स। सो देखिए, ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी बिब्लियो हो तो उससे आप याद रखें कि बात किताबों की हो रही है। ठीक है, फोबिया यानी डर। ठीक है, तो बिब्लियोफोबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब रिमेनिंग ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है एंड्रोफोबिया,
सो जहाँ कहीं भी एंड्रो हो, तो एंड्रो ये हमको दर्शाएगा मैनकाइंड, ठीक है, यानी मैन के बारे में बात हो रही है। एंड्रो हो या एंथ्रो हो तो इससे हम लेंगे मैन, ठीक है, या ह्यूमन बींग। सो एंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन, ठीक है। अगला है लोगोफोबिया। सो लोगोफोबिया ये है फियर ऑफ मेडिकल वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं फियर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। चौथा ऑप्शन है हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया देखिए, एक TET के क्वेश्चन पेपर के अंदर एक आया था कि भाई फियर ऑफ ट्रैवल, सो दैट इज़ होडोफोबिया, और यहाँ पर ये क्या है, हेडोनोफोबिया। सो हेडोनोफोबिया होता है फियर टू ऑब्टेन प्लेजर, ठीक है, फियर टू ऑब्टेन प्लेजर, और वो क्या है, वो जो आया था होडोफोबिया, सो दैट इज़ फियर ऑफ ट्रैवलिंग या ट्रैवल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। सो ऑप्शंस है एसेटिक, फेमिनिस्ट, रेक्ल्यूज और रिप्रूफ, ठीक है। सो इसका सही आंसर है फेमिनिस्ट। वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। चलिए अब जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं, बचे हुए ऑप्शंस। सो एसेटिक क्या होता है कि भाई वो लोग जो ऑस्टियर सी लाइफ गुजारते हैं, जिसको हम संत बोलते हैं जिन लोगों को हम, कि भाई जो अपने आप को फिज़िकल प्लेजर से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, है ना, तो ऐसे लोग एसेटिक, ठीक है। रेक्ल्यूज मतलब हम कह सकते हैं कि भाई अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल्स और सोसाइटी, तनहा पसंद इंसान को रेक्ल्यूज कहेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है रिप्रूफ। रिप्रूफ मतलब समथिंग दैट वी से टू समबडी व्हेन वी डू नॉट अप्रूव व्हाट ही और शी हैज़ डन, यानी उसको अगर आसान जुमलों में कहे कि भाई अगर गलत काम पर किसी को फटकार लगाते तो दैट इज़ रिप्रूफ, जो आपको मंजूर नहीं है और उसने कुछ कह दिया तो आप उसको फटकार लगाते हैं, दैट इज़ रिप्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन है द फोबिया अबाउट ट्रैवल इज कॉल्ड, ठीक है, तो द फोबिया अबाउट ट्रैवल इज कॉल्ड होडोफोबिया। होडोफोबिया, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है, ठीक है। और देखते हैं नंबर टू ऑप्शन क्या है, नेक्टोफोबिया। तो नेक्टो, ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं कि भाई नेक्टो जहाँ भी आए वहाँ पर हम नाइट और डार्कनेस का सेंस लेंगे, ठीक है। तो नेक्टोफोबिया यानी फियर ऑफ डार्कनेस या फियर ऑफ नाइट। इसके बाद में है बिब्लियोफोबिया। तो बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो ये वर्ड हमको क्या डिनोट कर रहा है, बुक्स, और फोबिया फियर, सो फियर ऑफ बुक्स। और लास्ट है पेनीफोबिया। पेनीफोबिया फियर ऑफ दैट पेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है महाटेट 2020 का पेपर टू में पूछा गया था। सुनिधि हैज़ ट्यूमर इन हर बॉडी, हु विल ट्रीट हर। सुनिधि की बॉडी में ट्यूमर है तो उसे कौन ट्रीट करेगा। ऑप्शंस है रेडियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट और ऑस्टियोपैथ। सो देखिए ट्यूमर है मीन्स उसको कैंसर है, सो कैंसर का इलाज जो करते हैं, जो ट्रीट करते हैं, तो उनको कहते हैं ऑनकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। चलिए बचे हुए ऑप्शंस को भी देखते हैं। रेडियोलॉजिस्ट किसको कहेंगे, सो रेडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो यूज़ करते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी को, एक्सरेज, सोनोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए जो की जाती है, तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी, ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट। और फिर अब अगला है गायनोकोलॉजिस्ट। सो हम सब इससे मुतारिफ है कि गायनोकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, मीन्स वो डॉक्टर्स जो क्या करते हैं, जो फीमेल के मुतालिक जितनी भी परेशानियाँ होती है उनका हल बताते हैं या उनको ट्रीट करते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मुतालिक जो भी उनको बीमारियाँ वगैरह होती है उसका ट्रीट करने वाले को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑस्टियोपैथ हमारे जॉइंट मसल्स वगैरह को ट्रीट करने वाले, हमारे जो जॉइंट में मसल्स वगैरह में जो पेन होता है उसको जो ट्रीट करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोपैथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन कहते हैं मेहनत आने को। सो ऑप्शन है हमारे वॉलंट्री, सिनेक्योर, ऑनररी और इनवॉलंट्री, ठीक है।
तो इसका सही जवाब है ऑनररी, ठीक है। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन इज ऑनररी। चलिए अब रिमेनिंग ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें था वॉलंटरी। वॉलंटरी किसको कहते हैं? वर्क डन और गिवन बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, यानी इच्छा से जो काम हम करते हैं, है ना, यानी कोई हमको ज़बरदस्ती नहीं करता, हमारी इच्छा से, जो स्वयं सेवी जिसको बोलते हैं, हम खुद से जो सेवा करते हैं। दूसरा है सिनेक्योर, तो इसका मतलब होता है अ पोजिशन रिक्वायरिंग लिटल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। और फोर्थ वाला है इनवॉलंटरी, तो इनवॉलंटरी क्या होगा, वॉलंटरी का अपोजिट हो जाएगा, यानी वो काम जो हमारी स्व इच्छा से नहीं करते बल्कि अनैच्छिक, ठीक है, यानी विदाउट वांटिंग कोई काम अगर हम करते हैं तो उसको कहेंगे इनवॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू इज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन। सो देखिए इसके अंदर बताया गया है कि स्टडी, तो जहाँ भी स्टडी ये लफ्ज़ आए तो हम जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे लॉजी, अगर लॉजी है तो वो स्टडी से रिलेशन रखता है, ठीक है। अब ये जो चार ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अंदर एक पहला जो ऑप्शन है पीडियाट्रिक्स, तो यहाँ पर ट्रिक्स है ना, रिस्क है लास्ट में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉजी ये लफ्ज़ हमको स्टडी की तरफ इशारा करता है। अब तीन ऑप्शंस में है, अब देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि राजू इंटरेस्टेड है मेडिकल साइंस में और उसमें भी कोर्स किसके अंदर, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन, स्किन डिजीज के स्टडी के अंदर। तो स्किन डिजीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सो हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पीडियाट्रिक्स। सो पीडियाट्रिक्स किसको बोलते हैं कि भाई वो जो इन्फेंट और चिल्ड्रन और इनको ट्रीट करे, है ना, यानी इनका मेडिकल केयर करे। और तीसरा ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से मुतालिक जो बीमारियां होती हैं उसका उसकी स्टडी। और लास्ट वाला है गायनेकोलॉजी। सो गायनेकोलॉजी या गायनेकोलॉजी, दोनों स्पेलिंग का फ़र्क थोड़ा देख लीजिएगा, दोनों भी एक ही है। तो इसमें क्या है कि द मेडिकल प्रैक्टिस डीलिंग विद द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दैट इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, ये 2016 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, सो ऑप्शंस है पेट्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोपी और पेडागॉजी। चलिए देखते हैं। सो इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। चलिए अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। सो पहला ऑप्शन है पेट्रोलॉजी। सो पेट्रोलॉजी ये है स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। और फिर ऑर्थोपी, तो ऑर्थोपी द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या हम कहें कि भाई एक्सेप्टेड जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, ऑर्थोपी। और लास्ट वाला है पेडागॉजी। सो पेडागॉजी द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, पेडागॉजी स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 2017 में पूछा गया था पेपर फर्स्ट में। क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स, सो क्या कहलाते हैं, ऑप्शंस है कार्निवोर्स, कार्निवोरस, ग्रैमनिवोरस, हर्बीवोरस और इंसेक्टिवोरस। सो इसका करेक्ट आंसर है इंसेक्टिवोरस, ठीक है, मींस एनिमल्स विच फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और अदर इनवर्टिब्रेट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। अब बचे हुए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर कार्निवोरस। सो कार्निवोरस कौन से कहलाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कार्निवरस होते हैं, यानी वो जो मीट ईटर होते हैं। अगला है ग्रैमनिवरस। तो ग्रैमनिवरस जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको ग्रैमनिवरस कहते हैं। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोरस कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है फ्रुगरीवोरस। सो फ्रुगरीवोरस क्या है, फ्रुगरीवोरस ये फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 के क्वेश्चन पेपर से है।
क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन। एन इंसेक्ट विच हैज़ मैनी लेग्स, एक इंसेक्ट जिसको कई लेग होते हैं, क्या कहते हैं उसको? सो ऑप्शन है वर्टिब्रेट, सेंटीपेड, मैमल्स या फिर हर्बीवर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है सेंटीपेड, यानी वो इंसेक्ट्स जिसको बॉडी के हर सेगमेंट में एक पैर हो, पैरों की एक जोड़ी हो, उसको सेंटीपेड कहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, सेंटीपेड। अब रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सो वर्टिब्रेट फिक्रियों को कहते हैं, मीन्स जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, जिनमें बैकबोन हो। वर्टिब्रेट मतलब एन एनिमल, बर्ड और फिश दैट हैज़ अ बैकबोन। और मैमल्स तो हमको सबको पता है कि भाई एनिमल दैट हैव मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इन फीमेल्स दे प्रोड्यूस मिल्क। और लास्ट वन इज़ हर्बीवर्स। सो हर्बीवर्स क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवर्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कि भाई इन पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन है वन हु हेट्स मैनकाइंड। हमने बताया था कि भाई हेट्स इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है, मिस होता है। तो देखिए मिस है, ठीक है, मिस एंथ्रोप में, और मैनकाइंड को कौन डिनोट कर रहा है? एंथ्रोप, इसका रूट वर्ड। ठीक है, जहाँ भी एंथ्रो या एंथ्रो हो तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, मैनकाइंड या मैन या फिर ह्यूमन। सो वन हु हेट्स मैनकाइंड, मैन मिस एंथ्रोप करेक्ट है। अगला वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी पीपल, तो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल लव और अट्रैक्शन को दिखाता है, और एंथ्रो ये मैनकाइंड का को दिखाता है। अब पिस्ट यानी, ठीक है, तो ये वन हु हेल्प्स द पुअर एंड मीडी नीडी, सो इट इज़ फिल एंथ्रोपिस्ट करेक्ट है। अगला वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, सो इट इज़ कॉल्ड फिल एटलिस्ट, फिल एटलिस्ट, एटलिस्ट स्टैम्प, और फिल एट्रैक्शन लव को डिनोट कर रहा है। अगला है लास्ट वन, वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन्स से क्या करे, हेट करे। सो हमने शुरू में बताया आपको कि जहाँ हेट के लिए क्या होना चाहिए, मिस ये होना चाहिए। ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि मिस से शुरुआत होती है हेट्स वाले, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं अक्सर, तो मिस वाला कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैंडरर, फ्लैंडरर, सो इट इज़ इनकरेक्ट। अब फ्लैंडरर किसको कहते हैं? अ मैन हु हैज़ मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक आदमी जिसके बहुत सारे फिजिकल रिलेशनशिप्स हो, उसको फ्लैंडर कहते हैं। सो फिर वन हु हेट्स वुमेन, ये होगा मिसोजिनी, मिसोजिनी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, वन हु हेट्स वुमेन। ठीक है, दिस वन फ्लैंडरर, फ्लैंडरर इनकरेक्ट है, मिसोजिनी होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है 2016 के पेपर से, ठीक है, टेट के। सो इसमें क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर अम्यूनिशन एंड वेपन्स इज कॉल्ड, के वेपन्स और असलहा वगैरह रखने के प्लेस को क्या कहते हैं, जहाँ रखा जाता है? तो ऐसे प्लेस को कहते हैं अर्सेनल, अर्सेनल ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अरेना, सो अरेना क्या है? ये एक लार्ज एनक्लोज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ऊपर से खुला होता है, छत नहीं होती उसको, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती है या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स होती है, उसको अरेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री है अजाइलम या असाइलम। सो अजाइलम किसको कहते हैं? कि किसी को ऐसा प्लेस जहाँ पर किसी को रेस्ट और सेफ्टी मिले, जैसे अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है पर्सन, है ना, तो वो अगर हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में रह रहा है, तो वहाँ पर उसको रेस्ट और सेफ्टी मिले। ठीक है, लास्ट है पेंट्री, है ना, एक स्मॉल रूम होता है, हम सबको पता है भी, जिसमें हम फूड रखते हैं, कुकरी रखते हैं, है ना, या किचन की चीज़ें रखते हैं, फ्रिज वगैरह उसमें होता है, किचन में, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है पेंट्री में। सो दीज वर द फोर ऑप्शंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 2016 से है। अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टीचेज अ मॉरल लेसन स्पेशली वन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसके अंदर हमको मॉरल लेसन मिलता है सीखने को, और उसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर प्ले करते हैं, मीन्स एनिमल्स की स्टोरी होती है और एनिमल्स के ज़रिए से क्या किया जाता है, एक लेसन दिया जाता है हमको। जैसे हमने बचपन में कहानी सुने हैं, दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं रोटी के लिए, रोटी उनको मिलती है, उसके लिए लड़ती है कि भाई मुझे मिली, मेरा इस पे हक है। तो बंदर आता है उनका इंसाफ करने के लिए और बराबर बराबर तकसीम करने के लिए वो रोटियों को तोड़ तोड़ कर खाता जाता है, है ना, तो ये एक फेबल की मिसाल है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट स्टोरी जिससे हमें मॉरल सीखने को मिले और वो जिसमें
एनिमल्स को कैरेक्टर बताकर कोई मॉरल लेसन दिया जाए उसको फेबल कहते हैं। चलिए बचे हुए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो पैराबल, पैराबल क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, इसमें भी हमको मॉरल लेसन सीखने को मिलता है, लेकिन ये खासकर ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स पर आधारित होती है पैराबल। और मैथ किसको बोलते हैं? जिसमें देवी देवताओं यानी गॉड्स और जो होते हैं या करेजियस पीपल्स जो होते हैं उनके मुतालिक जो स्टोरीज होती है उसको मैथ कहते हैं। एलिगरी ये स्टोरी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे हमने आप लोगों ने सुना होगा सोलोमन मशहूर है, किस चीज़ के लिए मशहूर है सोलोमन? ये विजडम के लिए मशहूर है। ऐसे ही बीरबल, ये भी विजडम के लिए, अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र, ये ईमानदारी के लिए क्या है, मशहूर है। सो इस चीज़ों को सिम्बोलाइज करना है ना, यानी क्या होता है कि कैरेक्टर्स और इवेंट्स क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आइडिया को। जैसे यानी आइडिया रिप्रेजेंट होता है किसी एक कैरेक्टर के जरिए, राजा हरिश्चंद्र, इससे एक आइडिया क्या हो रहा है रिप्रेजेंट कि भाई ईमानदारी, तो इसको एलिगरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2017 के पेपर 2 से है। इफ़ राहुल्स टीथ आर अनइवन हुम शुड ही विजिट? राहुल के टीथ अगर अनइवन है तो किससे उसने मिलना चाहिए? ऑप्शन है ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑस्टियोपैथ, ऑन्कोलॉजिस्ट और क्रॉपडिस्ट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोडोंटिस्ट किसको कहते हैं? सो ये डेंटिस्ट की एक क्या है, काइंड है, जिसमें क्या होता है कि भाई जो हमारे मिस अलाइन टीथ होते हैं ये उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। अब बचे हुए तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो ऑस्टियोपैथ, ये हमारी जो बॉडी का क्या बोलेंगे हम, हमारे जॉइंट्स और हमारे जो स्केलेटल्स है, हमारे जो मस्कुलर मसल्स वगैरह है, तो हमारे इनसे ये डील करते हैं, मीन्स इसको ठीक करते हैं, इसके मैनिपुलेशन का ये काम करते हैं। अगला है ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर। और लास्ट वन है क्रॉपडिस्ट, तो क्रॉपडिस्ट अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर पीपल्स फीट। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का 2020 के पेपर 1 से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज? तो जेनोसाइट, मर्डर ऑफ रेस, सोरोरीसाइट, मर्डर ऑफ सिस्टर, अक्सरीसाइट, मर्डर ऑफ ब्रदर और मैट्रीसाइट, मर्डर ऑफ मदर। सो विच वन इज mismatched or incorrect? So third option is incorrect, that अक्सरीसाइट, ये होता है murder of wife। तो ये हमारे 17 questions जो previous years में पूछे जा चुके हैं, ये इसकी practice हो चुकी है, इसका analyze हमने किया है। एक बात ये समझने की है, याद रखने की है कि one word substitution में बहुत ज़्यादा हद तक के root words की knowledge का होना ज़रूरी है। रूट वर्ड्स की नॉलेज हमें बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे देखिए कुछ लैटिन वर्ड्स है, यहाँ पर जो साइड वाले जो लफ्ज़ है, जेनोसाइड, सोरोरीसाइड, अक्सरीसाइड, मैट्रीसाइड या फ्रेट्रीसाइड होता है, पैट्रीसाइड होता है, तो इसमें हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए रूट वर्ड्स। जैसे हमको सबको पता है कि भाई साइड मतलब ये किलिंग या मर्डर से ताल्लुक़ रखता है। अब जेनो, सोरोर, अक्सर, मैटर, फैटर, पैटर, तो ये सब वर्ड्स लैटिन वर्ड्स है और जिनके मानी, जैसे पैटर मतलब होता है फादर, ऐसे ही मैटर मतलब मदर होता है, सोरोर मतलब सिस्टर होता है, फ्रेटर मतलब ब्रदर होता है। तो ये हेल्पफुल होते हैं अगर हमें ये पता होता।